दोस्तों इंस्टाग्राम पर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पर एक ऑप्शन है ऊपर ही ऊपर फ्लैग फॉर रिव्यू। तो ये ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। और ये ऑप्शन किसकी जगह पर आया है, क्यों आया है, कहाँ से आपको मिलेगा, अगर आपको नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, क्या इसका बेनिफिट है, सब कुछ आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कर लेना और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि ये ऑप्शन मिलेगा कहाँ पर। जैसे पहले इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करते हैं, आपके अकाउंट में भी अगर चेक कर लेना, नहीं मिला है तो भी क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। आपको अपनी प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक करना है यहाँ पर। अब राइट साइड में आपको थ्री लाइंस है, इन थ्री लाइंस पर क्लिक करना है। तो थ्री लाइंस नहीं आ रही, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ऊपर थ्री लाइंस आ गई, थोड़ा सा ये पेज लोड होने में टाइम लग रहा था। थ्री लाइंस पर क्लिक किया, अब आपको यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ही ऊपर दिख रहा होगा फ्लैग फॉर रिव्यू। आपके अकाउंट में आपने चेक कर लिया, आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आपको ये चीज़ दिखेगी यहाँ पर। अगर नहीं है आपका प्रोफेशनल अकाउंट तो हो सकता है आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा हो, लेकिन कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेना, फ्लैग फॉर रिव्यू दिख रहा है तो ये ऑप्शन है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने इसको इनेबल किया हुआ है, अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, इनेबल करेंगे तो इनेबल हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूँ। कुछ दिनों पहले यहाँ पर अपडेट आने से पहले, जैसे ये ऑप्शन है, इससे पहले एक ऑप्शन था यहाँ पर इंस्टाग्राम वो फिल्टर स्पैम फॉलोअर्स, तो यहाँ पर फिल्टर स्पैम फॉलोअर्स को भी इनेबल कर देते थे हम। तो इसका दोनों का मतलब एक ही है, बस इंस्टाग्राम ने नाम बदल दिया है इसका। होम पर चलते हैं, अब यहाँ पर मैं प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक करता हूँ एक बार, तो यहाँ पर हमें फॉलोअर्स में जाना है। आपके फॉलोअर्स जितने भी हैं, मान लो कितने भी फॉलोअर्स हैं, आपके फॉलोअर्स में आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपके फॉलोअर्स में फ्लैग्ड फॉर रिव्यू। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो 111 फॉलोअर मेरे शो हो रहे हैं, आपके देखना कितने शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पर 111 फॉलोअर्स हैं जो मेरे फ्लैग फॉर रिव्यू वाले फोल्डर में इंस्टाग्राम ने डाले हैं यहाँ पर। अब इनका मतलब क्या है, ये वो फॉलोअर्स हैं जो इंस्टाग्राम को लगता है वो मेरे स्पैम फॉलोवर है, एक तरह से बोट फॉलोवर है, फेक फॉलोवर है, जो मैंने किसी वेबसाइट के थ्रू बढ़ाए, ऐसा इंस्टाग्राम को लगता है। तो इंस्टाग्राम ने इनको रिव्यू में डाल दिया है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, इनको चेक कर लेना है, एक एक फॉलोवर को चेक कर लेना कि भैया आप इसको जानते हैं फिर नहीं जानते, आपका जेन्युइन फॉलोवर है या फिर कोई फेक फॉलोवर है। अगर आप जानते हैं तो इनको थ्री डॉट पर क्लिक करके नॉट स्पैम पर क्लिक कर देना, ये फॉलोवर यहाँ से हट जाएगा, आपके जेन्युइन फॉलोवर की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप सोचते हैं भी मेरा तो ये फॉलोवर सच में ही फेक है, जानता भी नहीं हूँ इसको, कोई गलत फॉलोवर है, ये फॉलोवर आपको लगते हैं, तो इनको रिमूव पर क्लिक कर देना, रिमूव 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 पर क्लिक कर देना, ये फॉलोवर्स आपके यहाँ से हटते जाएंगे और आपका अकाउंट एक तरह से जेन्युइन हो जाएगा, कोई भी फेक फॉलोवर आपके नहीं रहेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पर इन फॉलोवर्स की वजह से ही अकाउंट ग्रो नहीं होता है, एक तरह से डेड फॉलोवर होते हैं आपके। रिमूव वाल पर क्लिक करके सभी फॉलोअर्स को एक साथ रिमूव भी कर सकते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम ने जो पहले ऑप्शन था फिल्टर स्पैम फॉलोअर्स, उसको हटाकर फ्लैग फॉर रिव्यू कर दिया है, क्योंकि पहले जो ऑप्शन था फिल्टर स्पैम फॉलोअर्स, तो इंस्टाग्राम ने उसको सभी फॉलोअर्स को स्पैम नाम दे दिया था, जो जिसमें हमें जेन्युइन फॉलोवर भी दिखते थे, तो हमें लगता था भाई इंस्टाग्राम ने फिल्टर सही से नहीं किया है, इसमें हमारे असली फॉलोअर्स भी है जो एक तरह से बेकार ही इसमें डाल दिए हैं। तो इंस्टाग्राम को जो लगा उन्होंने फिल्टर करके दे दिया था, लेकिन लोगों को गलतफहमी हो रही थी, इस वजह से इंस्टाग्राम ने इसका नाम बदल दिया है, फ्लैग्ड फॉर रिव्यू कर दिया। भाई आप रिव्यू कर लो इसका, अगर आपको लगता है स्पैम है तो रिमूव कर दो, नहीं लगता है तो इसको यहाँ से हटा दो। इंस्टाग्राम ने इसको इसलिए फ्लैग्ड फॉर रिव्यू नाम बदल कर दे दिया है। और दूसरा और दिखाता हूँ यहाँ पर, फॉलोइंग है, जीरो सब्सक्रिप्शन है, एक फ्लैग्ड का फोल्डर हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो फॉलो रिक्वेस्ट दिख जाएगी आपको जो इंस्टाग्राम ने फ्लैग लगाकर यहाँ पर एक तरह से रिव्यू के लिए डाल दी है। यहाँ पर शो हो रहा है योर अकाउंट इज पब्लिक, करंट अकाउंट नीड योर अप्रूवल टू फॉलो यू, रिक्वेस्ट ओल्डर देन 30 डेज विल बी डिलीटेड, यानी 30 दिन से पुरानी फॉलो रिक्वेस्ट है वो तो ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा इंस्टाग्राम। यू कैन चेंज दिस एनी टाइम, एनी सेटिंग की हुई है मैंने तो 30 दिन से पुरानी सेटिंग फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट तो मैं डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पर बाकी जो फॉलो रिक्वेस्ट है वो इंस्टाग्राम ने मेरी यहाँ पर फ्लैग में डाली हुई, फ्लैग वाले फोल्डर में, इनको कन्फर्म करना चाहूँ तो कन्फर्म कर लूँगा, नहीं तो डिलीट भी कर सकता हूँ, ये फ्लैग करके इंस्टाग्राम ने डाला हुआ है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, फ्लैग फॉर रिव्यू का मतलब ये है। अब मैं आपको बता दूँ ये ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाना है और इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना है प्ले स्टोर में। इंस्टाग्राम सर्च किया, यहाँ पर सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। एप्लीकेशन अपडेट कर लिया लेकिन फिर भी आपको ये नहीं मिल रहा होगा एप्लीकेशन अपडेट करने के बाद भी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम अकाउंट को स्विच करता हूँ तो मेरे यहाँ पर चार अकाउंट लॉगिन है, लेकिन चार अकाउंट में से तीन अकाउंट में तो मुझे नहीं मिल रहा है, जबकि एप्लीकेशन मेरा अपडेट है।
तो तीन अकाउंट में तो मुझे नहीं मिल रहा है, एक में मिल रहा है। तो एक में मिल रहा है तो बाकी तीन अकाउंट में क्यों नहीं मिल रहा है? ये इंस्टाग्राम की दिक्कत है, मेरे अकाउंट की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम जो ये अपडेट है सभी लोगों में एक तरह से बांट रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, मतलब सभी लोगों में एक तरह से अपडेट आ जाएगा, लेकिन कुछ दिनों तक आपको वेट करना होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो अपडेट आता है, वो जो ऑप्शन आता है, कोई फीचर आता है, सभी लोगों को पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए आपको बस एप्लीकेशन अपडेट करके रखना है और वेट करना है, और कुछ भी नहीं करना। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल बना के रखना और वेट कर लेना, अपडेट करके रखना। ये अपडेट आपको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पहले मुझे भी नहीं मिलता था, बाद में मुझे मिल गया है। तो इस तरह से आपको वेट करना है बस, और कुछ काम आप नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फ्लैग फॉर रिव्यू का मतलब क्या है। और कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।